ওকে গাইস, তো তোমাদের আর আমার দুজনেরই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফেভারিট একটা ইউটিউব চ্যানেল হচ্ছে নট ইওর টাইপের কার্টুন কমেডি মিমস। আর একটা ওদের নিউ ভিডিও লঞ্চ হয়েছে, সো লেটস গো, একসঙ্গে দেখি অ্যান্ড একসঙ্গে রিয়্যাক্ট করি ভিডিওটাতে। চলো বেশি কথা না বলে ভিডিওটাকে স্টার্ট করি অ্যান্ড দেখি নতুন কি ভিডিও এসছে। লেটস গো। एक जमाना था जहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका को प्यार भरी चिट्ठी कबूतर पे बांध कर भेजता था। अरे नहीं, लगता है फिर से मैंने कबूतर के गले पर चिट्ठी बांध दी। अरे अखिलेश, जरा इन कबूतरों को मेरे रूम से साफ करना। तो प्रेमिका भी अपने प्रेमी की आवाज में उन चिट्ठियों को पढ़ती थी। अरे अरे, चंद्रेश जी ने चिट्ठी भेजी है, हमें भी बताओ ना। रुक जाओ, सबर करो, बता दियो। नीचे क्या पहनना है? उस जमाने की बात ही अलग थी दोस्त, लेकिन फिर आता है आज का जमाना। अबे यार, कितनी हॉट है दादाजी। अबे ये मैं हूँ। अबे मैं तो डेटिंग ऐप की बात कर रहा था, इस पे दादाजी क्या कर रहे हैं? और मौसा जी, आप आने वाले थे, आपने बताया नहीं। अबे ये मैं हूँ। पानी फिर से आना बंद हो गया है पापी, मैंने परेशान हो गया उस अपार्टमेंट से। ओ, इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, क्योंकि एक सुअर को तो कीचड़ ही पसंद आएगा ना। साले कभी नहाता भी है तू? हाँ, जरूरत नहीं, तेरा भाई पहले से होम्योपैथी हाइजीनिक होता है वो। हाँ वही। अच्छा, फिर अपने दोनों हाथ उठाइयो। ये ले। अरे भोपाल गैस कांड 2.0। भाई साहब, अबे नहीं यार, भाई की एक्सप्लॉइट चलते फिर से मत करना ये। और क्या बकवास जगह आ रही है, हमारा फ्रिज काम करता नहीं है। और जरा तू यहाँ की गर्मी देख, मैं तुझ पे थूकूंगा ना, वो भी उड़ जाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन तू देख रहा है पापे। हाँ, बड़ा ही गाढ़ा थूक है। हमारा फ्लश टूटा हुआ है, पूरे घर में चिपक लिया है, और नेटवर्क वो तो कभी चिपक ही। ओए, यहाँ के कबूतर हकते नहीं भाई, गोलियां चलाते हैं। कल ही एक मासूम को गोली लगी और वो आदमी नहीं रहा। मर गया? नहीं, वो औरत बन के कल चला गया। और ये खट्टी खट्टी भाप कहाँ से आ रही है? अबे ओए, क्या कर रहा है? गैस करो। गिटार बजा रहे हो? चलो एक हिंट देता हूँ, अब तो पक्का गिटार बजा रहे हो। सही जवाब। पूरे घर में एक अच्छी चीज थी ये टीवी, लेकिन उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। क्या रे शाने? ये देख। क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? ए, मैं कोई चैनल नहीं, तेरा पड़ोसी है रे। ये कोई टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपुन को इतना मजा आता था रे। अपुन डेली एक्टर्स लेके आता था, रात भर बजट लिखता था। अपुन ने माँ की 25 लाख की FD टोल डाली और घर में सेट लगा डाला रे। मुझे हवा चाहिए। अब अपुन लोग का रियल शो आ रहा है रे, टीवी खरीद के उसमें देखना। पापा एक अच्छी चीज बता जो यहाँ पे अच्छी है। टिप्सी दीदी। हे गाइस, तो आज हमारे पूरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी खुशी में मैंने किए हैं केक ऑर्डर जोमेटो स्विगी दोनों से, और बुलाया है आप में से एक लकी सब्सक्राइबर को। ये लो, जोमेटो वाले भैया हमेशा स्विगी से पहले आते हैं। स्विगी वाला भी मैं ही है मैडम, ये दूसरा केक। क्यों काटेंगे? क्योंकि लकी सब्सक्राइबर भी मैं ही है मैडम। एक लेफ्ट वाले चूचे पे ऑटोग्राफ मिल सकता है क्या आपका? मेरा सेट पूरा हो जाएगा। सेट मतलब राइट पे भी किसी ने दिया है क्या? नहीं, राइट वाले पे तो अपन के बिल्ले कालू ने नचोड़ा भरा है, लेकिन वो सल्लू भाई के ऑटोग्राफ जैसा लगता है। बिल्ले ने कैसे? अरे एक दिन वो कालू सैड था, तो अपन को लगा माँ की ममता देना चाहिए। अपन ने जैसे ही ममता पकड़ा, उसने निप्पल ही उखाड़ दिया। चलो केक काट लेते हैं। चाकू? अरे हाँ, वो तो मेरे ब्लिंकिट से ऑर्डर। ये आपका ब्लैंकेट का ऑर्डर मैडम? अबे तुम तो पे मुझे नहीं पता आज। ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग राहों में ही साथ छोड़ देते हैं। भैया आप फिर से सुबह सुबह पी रहे हो, अब मूव ऑन करो ना, आपका ब्रेकअप 2 साल पहले हुआ था। 2 साल आज भी 2 दिन जैसे लगते हैं। आज भी सोचता हूँ तो लगता है जस्ट अभी की बात है। ये मोहब्बत के हाथ। शांति भैया, अभी की ही बात है। सॉरी, मेरा समय बहुत तेज चल रहा है, मेरी घड़ी की निप्पी टूट गई है। सुनो बच्चे, ये घड़ी तुम रख लो। देखो कितना तेज टाइम चल रहा है उसमें। शांति भैया संभालो खुद को, डिप्रेशन में आपका पूरा रंग उड़ गया है। याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था? और आज फिर से पापे और आयु के स्कूल बस छूट चुकी है। क्या लगता है शांति बस को हरा पाएगा? ओ गुरु, असली दिक्कत तो लैब 2 में है, जब टिफिन भरवाने के लिए समोसे वाले के यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्या ये तो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ गुरु। मेरी बीवी आने वाली, आपको जाना होगा। ओए मतलब नो ठोको ताली। यस, नो ठोको ताली। इनके माँ बाप बस की फीस भरते हैं 5,000 रुपए महीना। देखो इन्हें, पर माँ बाप की किसको पड़ी है ब्रो, कोई भी जिम्मेदारी थोड़ा लेना चाहता। सही बात है कि नहीं?
समझदार है ब्रो, तो कल से हमारे साथ ठेके पे बैठ। थैंक यू शॉर्टी भैया। कोई नहीं, चलो बाद में मिलता हूँ। अरे सुनो, हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रेमजिम से। हमारी पहली डेट पर वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे सरप्राइज दिया। वाओ शॉर्टी, डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को पता लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉर्टी तुमने ये बेन लकड़ियों के आग कैसे चलाई? अरे अभी याद आया, पापा को होश आ गया। उन्होंने मुझसे कहा था, शॉर्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा, और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। सोंटी ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। सोंटी कोई चिल्ला रहा है। सोंटी ये क्या हो रहा है? इधर आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेत आत्मा है, चले जाओ चले जाओ। वो भी क्या दिन था। ओ हाँ शॉन्टी भैया, उस दिन तो हमारे बस ड्राइवर ने एक नर्सरी के बच्चे की बोतल में देसी पौआ मिला दिया था। वो बच्चा जब घर घर खेल रहा था सब पे हाथ उठा रहा था। तुझे कैसे पता? आए क्योंकि मैं उसकी बीवी बना था। डाइवोर्स लेना पड़ा मुझे अपने पति से। अबे तू चल यार, हमें लेट हो रहा है, अपार्टमेंट देखना है। अंकल आपने एक सस्ता और बढ़िया सा अपार्टमेंट दिखा दो प्लीज। बेटा अपार्टमेंट है तुम्हारी मौसी थोड़ी ना, या तो सस्ता मिलेगा या तो बढ़िया। एक उंगली पकड़ो ये वाली। ठीक है, मार देंगे आज मनोज को। अरे क्या, हमारे पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा फिर दूसरी उंगली में क्या था? अरे उसमें तो हम और हमारी बीवी आज आइसक्रीम चूसने वाले थे। अंकल बढ़िया प्लान है, यही करो ना। अरे कैसे करे, मार रहे ना आज उन्हें। मनोज बीवी कही तो ना मैं। छोड़ो, आओ तुम्हें अपार्टमेंट दिखाए। ये है 500 रुपए महीना, सबसे चीप। बाथरूम तो सही लग रहा है अंकल, बाकी घर भी दिखाओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये किचन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बेडरूम। वाह अंकल 500 रुपए में 3 कमरे। अरे नहीं बेटा, हम इसके अगल बगल घूम रहे थे। अरे तुम्हें हॉल दिखा रहा तो भूल ही गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हॉल। अरे अंकल इसमें 3 लोग कैसे रहेंगे? आपको महंगा महंगा चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये है सी फेसिंग बंगला, आलीशान। वाह अंकल क्या घर है, बाथरूम भी दिखाओ ना। अरे गवार, ये बाथरूम ही है। घर तो अलग है, 5 लाख रुपए महीना, बगल में कोई सेलिब्रिटी टीवी रहता है। अरे अंकल वो 5 लाख दे सकता है, हम थोड़े ना। अरे वो भी 5 लाख नहीं देता है। क्यों? अरे क्योंकि उसके बगल में थोड़े ना सेलिब्रिटी टीवी रहता है, उसके बगल में तो तुम रहोगे, वो बस 20,000 ही देता है। कोई मिड रेंज अपार्टमेंट? मिड रेंज चाहिए, आ जाओ। मैं बिग बॉस सेट में मिड रेंज अपार्टमेंट चलो। इतने अपार्टमेंट देखे कोई पसंद नहीं आया। पास ही में एक और अपार्टमेंट है, वो भी देख लो। यहाँ पानी पूरे समय आता है, फ्रिज भी बढ़िया है, और जरा ये धासु टीवी तो देखो। अरे हाँ अंकल, इतने घरों में से ये सही लग रहा है। फिर हम उन लॉन्डो से बात कर लेते हैं जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या पागल लोग, इतना बढ़िया अपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं। वही ना। अरे अभी कौन कॉल कर रहा है? हेलो। हाँ बे, तो तुम अपार्टमेंट छोड़ रहे हो? हाँ बे, मिल गया हमें बहुत बढ़िया घर। ठीक है फिर सामान खाली कर लो आके। ठीक है, नहीं अगर, तो घर। पुराने घर से सामान खाली करके आते हैं। ठीक है, जब तक हम भी पड़ोस वाली गुरविंदर से बात कर लेते हैं। कैसे हो गुरविंदर? ओ बढ़िया पाजी, आप कैसे? नीचे तो घर पे पलटा हुआ, नीचे घर क्या कर रहा है? इस घर को इसकी औकात दिखा रहा हूँ। चल अब जल्दी सामान उठाते हैं। पापा ये देख, ये होता है घर, अब लग रहा है घर जैसा। मुझे भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। मैं ये चाबी देना तो भूल ही गया। एक सेकंड, यही चाबी तो इस दरवाजे का भी है। क्या यहाँ के बंदों ने भी अपनी तरह दीवार पे फोटो लगाई है? और ये राइट वाला बंदा तो तेरी तरह ही दिख रहा है। बाकी सरदार का कुछ नहीं कह सकते, थोड़ा मोटा और बदसूरत है। और इनके फ्रिज में भी हमारा ही खाना है, और इनका तो फ्लश भी टूटा हुआ है। यहाँ पे तो टिप्स ही दी गई है, हमारा ही अपार्टमेंट है। इसकी माँ का, तो तुम ही आयु। चाबी दो इधर। ये लो बेटा अपने नए घर की चाबी, हम चलते हैं। भाई कुछ तो बात है इस घर में, लगता है शॉन्टी भैया भी आ गए। अरे माफी चाहूंगा, हमारा वो फोटो यार रह गया था। मैं बोला था नहीं सरदार थोड़ा मोटा है। यो, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार मुझे नहीं पता, मुझे इस वीडियो पे 8 लाख लाइक्स। नॉटी योर टाइप যে ক্রিয়েটার তাকে বলছি, যদি আমার ভাষা বুঝতে পারে তাহলে তো খুবই ভালো, বাট তাও বলতে হয় বলে দিচ্ছি যে হয়তো এটার পার্ট টু আসা উচিত, কারণ এটা এমন কিছু সেই আগের ভিডিওর মতো সেইম ফ্লেভারটা পেলাম না। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন ইট। তো যাই হোক গাইস, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। দেখা যাক নেক্সট ভিডিওটা কিসের আনতে পারি। তো টিল দেন স্টে টিউন্ড অ্যান্ড স্টে হ্যাপি, গুড বাই।